तो कैसे हैं आप सभी लोग? आज एक काफी बढ़िया जो सफर है वो शुरू होने जा रहा है, और इस बार जो सफर है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने आपको मुरादाबाद से मेरठ तक की जो जर्नी दिखाई है वो नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन में दिखाई है, जो कि सुबह में निकलती है, बट एक और ट्रेन है जो मुरादाबाद से मेरठ जाती है, जो कि हमारे शाम के टाइम में जाती है, जो कि राज्य रानी है। तो चलते हैं भाई, आज का जो सफर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, स्ट्रगलफुल हो सकता है, क्योंकि आज एग्जाम भी है और जिसके चलते ट्रेन बहुत ज्यादा भरकर चल रही है। बट मैं क्यों जा रहा हूँ मेरठ वो आपको आने वाले थोड़े ही मिनटों में पता लग जाएगा। तो गाइस, अपनी जो ट्रेन है ना वो लगातार लेट हो जा रही है, और आप देख सकते हैं अपनी ट्रेन है आज 22453 और मैसेज आ चुका है मेरे पास रनिंग लेट बाई 1 आवर एंड 29 मिनट। तो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। तो फाइनली जो अनाउंसमेंट है वो तो हो चुका है, और जिस तरीके से मुझे यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है भाई, मुझे तो लगता है कि मैं अपनी सीट पर भी नहीं पहुँच पाऊंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि सीट मिल पाए, जैसा भी होगा देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से लग नहीं रहा कि एक कंफर्टेबल जर्नी होने वाली है। बट अच्छी बात यह कि ज़्यादा लंबा सफर नहीं है, 2 घंटा 35 मिनट ट्रेन लेती है, तो ज़्यादा है नहीं टाइम। और अगर रियल में 2 घंटा 35 मिनट ही अगर लेती है, क्योंकि ट्रेन अपने टाइम स्लॉट को छोड़ चुकी है, ट्रेन लेट हो चुकी है मोर देन 1 आवर एंड 30 मिनट, तो अगर फिर भी अपना जो स्लॉट है वो मेंटेन कर पाती है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि अब हम टाइम से पहुँचने वाले हैं। तो 9:03 हो चुके हैं और अपनी जो ट्रेन है वो अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। तो फाइनली ट्रेन का अराइवल हो चुका है, झांसी साइड का WAP 4 लोकोमोटिव अपनी ट्रेन को लेकर आया है, और आप देख सकते हैं एग्जाम की भीड़। फाइनली दोस्तों, अपनी जो ट्रेन है वो तो निकल चुकी है मुरादाबाद जंक्शन से, और ट्रेन यहाँ से निकलते निकलते 1.5 घंटे लेट थी, और 1.5 घंटे से ज़्यादा ही जो लेट है वो हो गई है, क्योंकि बीच में जो चैन पुलिंग थी वो हो गई, जिसके वजह से ट्रेन को थोड़ा और रुकना पड़ा। खैर भाई, एक बहुत बढ़िया बात बता देना चाहता हूँ आपको, और वो ये है कि अगर आप मुरादाबाद से मेरठ जाना चाहते हैं तो ये फास्टेस्ट ट्रेन बन जाती है, क्योंकि ये लेती है 2 घंटे 22 मिनट का समय, जबकि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है मुरादाबाद से मेरठ के बीच में वो लेती है 2 घंटे 23 मिनट का समय। अब भले ही वो बात अलग है कि जो वंदे भारत है वो 2 घंटे 23 मिनट में आपको पहुंचा देगी, वो अश्योरिटी देती है, पर जो राज्य रानी है वो 2 घंटे 50 मिनट भी करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो प्रायोरिटी है उसका ही तो खेल है वो चलता है, आप जानते ही हैं। तो फाइनली दोस्तों, अपनी जो ट्रेन है वो इस यात्रा के पहले स्टॉप जो कि अमरोहा रेलवे स्टेशन रहने वाला है वहाँ पर पहुँच रही है, और ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँच रही है जो कि लेफ्ट साइड में है, और आप सामने देख सकते हो कि स्टेशन के रीडेवलपमेंट का जो काम है वो चल रहा है, क्योंकि अमरोहा रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रीडेवलप किया जा रहा है। इस सेक्शन पर अगर बात करें तो अमरोहा को, गजरोला को और हापुड़, ये जो रेलवे स्टेशन है इनको रीडेवलप किया जा रहा है। वही रिनोवेशन का काम चल रहा है ना इसका। फाइनली अभी हम अपने जो फर्स्ट स्टॉप है उस पर पहुंच चुके हैं, जो कि अमरोहा है, इसके बाद एक और रहेगा जो कि हापुड़ रहने वाला है, और यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है जो कि एकदम हो गया भाई, भीड़ इतनी है कि ट्रेन से उतरने का भी जो मौका है वो नहीं मिल पा रहा है, तो फिलहाल चलना पड़ेगा। खैर बता दें अमरोहा के बारे में, तो स्टेशन कोड है AMRO और यहाँ पर टोटल 50 ट्रेन का स्टॉप है, 3 प्लेटफॉर्म है, 2 पर अपनी ट्रेन आई है। तो 8:36 निकलने का टाइम था बट 9:43 पर निकली है, तो काफ़ी ट्रेन अपनी लेट चल रही है।
तो अभी करंट ऑपरेटिंग है 104 और मैक्स काफ़ी ज़्यादा टच किया है हमने देखो, और एवरेज हमारी 108 और 104 अभी हमारी ट्रेन चल रही है करंटली, और 110 सेक्शन कैपेबल है। और अब हम पहुंच रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप जो कि हापुड़ जंक्शन है। तो 22:39 यानी कि 10:39 पर अपनी जो ट्रेन है वो हापुड़ पहुंच चुकी है। तो गाइस फाइनली अपना जो नेक्स्ट स्टॉप है वो आ चुका है हापुड़ स्टेशन कोड HPU। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और अपनी जो ट्रेन है यहाँ पर काफी ज्यादा लेट आई है, अराउंड 55 मिनट लेट हम चल रहे हैं। देखते हैं कितना लेट पहुंचते हैं, मुझे जहां तक उम्मीद है लगभग 45 या 40 मिनट लेट हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहां से आराम से 15 मिनट का जो कवर है, मतलब 15 से 10 मिनट का जो मार्जिन है वो है, तो वो कवर कर लिया जाएगा। बाकी देखते हैं क्या रहने वाला है फाइनल डेस्टिनेशन पे, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। पर ओवरऑल अगर बात की जाए तो मतलब ठीक है वाली ट्रेन, ऐसा नहीं है कि बेकार है, बस आज ही लेट है क्योंकि हो सकता है जो एग्जाम वगैरह चल रहा है उसके चलते चैन पुलिंग हो गई हो कई बार, जिसकी वजह से ट्रेन काफी ज्यादा लेट हो गई हो आने में मुरादाबाद, वरना टाइम से ही आ जाती है। यहाँ पर 2 मिनट का ही स्टॉप है, देखते हैं अपनी ट्रेन यहाँ पर अभी फिलहाल कितनी देर रुकने वाली है। हापुड़ जो है वो एक जंक्शन है, क्यों है, क्योंकि अभी जिस ट्रैक पर हम जाने वाले मेरठ वाले, उस पर हमारी ट्रेन निकल जाएगी, जिसकी वजह से जंक्शन पॉइंट बनता है। और बाकी एक ट्रैक और आता है यहाँ पर जो कि खुर्जा जंक्शन से आता है, जिसकी वजह से जंक्शन पॉइंट बन जाता है। हालांकि ये जंक्शन है फिर भी यहाँ से कोई भी ट्रेन ना तो ऑरिजिनेट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है। बाकी दोस्तों बात करें करंटली हॉल्टिंग ट्रेन की, तो यहाँ पर 74 ट्रेन का जो स्टॉप है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। तो इधर हापुड़ पर भी जो रीडेवलपमेंट का काम है वो चल रहा है, आप देख ही सकते हो अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत इसको भी रीडेवलप किया जा रहा है हापुड़ जंक्शन। तो हापुड़ से निकलने के बाद में जो ट्रेन का MPS है वो 100 ही है, ट्रेन 100 मेंटेन कर रही है, सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है हापुड़ से मेरठ, और आप देख ही सकते हो 100 101, मतलब 100 का जो MPS है उसको ही हम कवर कर रहे हैं। अभी थोड़ी बढ़ रही है स्पीड और फिर घट भी रही है, मतलब यही है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि 110 हो भी सकता है ना, अभी दोनों ही बातें हैं। बाकी कल देखेंगे वंदे भारत में कितनी स्पीड देखने को मिलती है सेक्शन पे। Thank you.
तो 23:24 पर अपना जो अराइवल है वो फाइनली हो चुका है मेरठ नगर जंक्शन पर। आप देख सकते हैं कितने लोग उतरे हैं इंटरसिटी से, और सामने थोड़ा अरेंजमेंट वगैरह भी हुआ है वंदे भारत के लिए जो कल हो गई। बाकी रैक देखता हूँ कहाँ खड़ा है, शायद उधर खड़ा है प्लेटफॉर्म 5 के आसपास, तो रैक भी मुझे दिख पा रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो इधर अपनी वंदे भारत खड़ी है जो कल इनॉग्रेट होगी। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन, और इस ट्रेन की भी डेस्टिनेशन जो हमारे बराबर में खड़ी है, राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रही। मतलब ओवरऑल लगभग 40 से 45 मिनट लेट हम आए हैं, और ट्रेन में जब मुरादाबाद आई थी तो लगभग 1.5 घंटा लेट थी, तो काफ़ी अच्छा कवर अप किया। ये तो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि जो प्रायोरिटी थी वो काफ़ी बढ़िया मिली, और जो सेक्शन है वो भी कैपे वाले 110, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो फ़ायदा है वो मिल गया और इतना कवर अप हो पाया। तो फिलहाल इस जर्नी को यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि यहीं तक ये ट्रेन थी। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी में। बाकी मेरठ के बारे में बात करें तो मेरठ एक जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक निकल जाता है गाजियाबाद के लिए, और एक हापुड़ के लिए जिससे हम आए हैं, और एक निकल जाता है यहाँ से डायरेक्ट सीधा मुजफ्फरनगर होता हुआ सहारनपुर की तरफ। और बाकी ये जो जंक्शन है वो तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर टोटल आपको 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर एक वंदे भारत चल रही थी और एक और चलेगी जो कि कल से चलेगी, जिसके लिए अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों जर्नी को करते हैं यहीं पर ही खत्म। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।